हेलो फ्रेंड्स, आज हमने आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाया है जिसमें हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो पार्ट है एनालॉजी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हम फ्रेंड्स, एनालॉजी में तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक लेटर एनालॉजी से, नंबर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी से। तो लेटर एनालॉजी यानी अल्फाबेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर एनालॉजी नंबर से रिलेटेड, और वर्ड एनालॉजी वर्ड से। तो इस वीडियो में हम लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस तरह से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें जिनको सॉल्व करने के लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंड्स, एनालॉजी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा आपको स्क्रीन में दिखा होगा कि ए का रिलेशन बी के साथ होता है और सी का रिलेशन हमें डी के साथ या फोर्थ टर्म को हमें फाइंड करना पड़ता है। तो जैसे लेटर एनालॉजी और वर्ड एनालॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं तो इसमें हम सबसे पहले क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आपको लर्न अल्फाबेट्स प्लेस वैल्यू, यानी आपको प्रत्येक अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसमें एडिशन हो सकता है, जो अल्फाबेट्स आप क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं उनमें आप एडिशन देख सकते हैं, सबट्रैक्शन देख सकते हैं। और जो वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको बेस्ट रिलेशन फाइंड करना होता है पहले दो टर्म का और फिर लास्ट के दो टर्म का रिलेशन फाइंड करना होता है। तो आइए हम जल्दी से अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दे रखा है AHIPCK एंड फोर्थ टर्म हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें प्रत्येक अल्फाबेट का सीरियल नंबर याद होना चाहिए। तो ए का होता है 1, एच का होता है 8, आई का होता है 9 और पी का होता है 16। ए को हम 9 कैसे बना सकते हैं, यानी जब हम इसमें प्लस 8 करेंगे। इसी तरह एच को पी बनाने के लिए हमने इसमें भी प्लस 8 किया, यानी इनमें क्या है, प्रत्येक लेटर में हमें प्लस 8 करके दूसरा लेटर मिल रहा है। इसी तरह हमें C का प्लेस वैल्यू होता है 3 और K का होता है 11। अगर हम 3 में प्लस 8 करें तो हमको मिलना चाहिए 11। जो 11 जो सीरियल नंबर होता है वो होता है K का। इसी तरह 11 में अगर हम प्लस 8 करें तो हमें मिलता है 19 और 19 प्लेस वैल्यू होता है S का, यानी AH रेशियो IP एंड CK रेशियो KS, यानी जो आंसर होगा वो हो जाएगा KS। तो फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है EAC, सेकंड टर्म HGL, थर्ड टर्म BIG और हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो इनके भी हम सबसे पहले सीरियल नंबर लिख लेते हैं। E का होता है 5, A का होता है 1, C का होता है 3, H का होता है 8, G का होता है 7 एंड L का होता है 12। तो अब हमें सबसे पहले E का रिलेशन H के साथ फाइंड करना है, यानी 5 से हम 8 कैसे बना सकते हैं, यानी जब हमने क्या किया होगा प्लस 3। इसी तरह 1 से हम 7 कैसे बना सकते हैं, यानी प्लस 6 किया होगा हमने, और 3 से 12 बनाना है यानी प्लस 9। यानी हमें देखने मिल रहा है कि ये सारे क्या है, 3 के मल्टीपल हैं। इसी तरह अब हमें BIG को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं हम। B का होता है 2, I का होता है 9 और G का होता है 7। यानी पहले में 3 प्लस करना है हमें, तो 2 प्लस 3 होगा तो आएगा 5, और 5 जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है E का। सेकंड में हमें प्लस करना है 6, यानी 9 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 15, और 15 जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है O का। और 7 में हमें प्लस करना है 9, और 9 में अगर हम 7 प्लस करें तो हमें मिलता है 16, और 16 जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है P का, यानी हमारा जो आंसर वो होगा EOP होगा। तो आइए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखा है CAT, सेकंड टर्म दे रखा है DYW और थर्ड टर्म दे रखा है ACE। हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम इनके भी सीरियल नंबर लिख लेते हैं। सी का होता है 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20, डी का होता है 4, वाई का होता है 25 और डब्ल्यू का होता है 23। तो अगर हम फर्स्ट लेटर से फर्स्ट का रिलेशन फाइंड करें, यानी इसमें हो रहा है प्लस 1, लेकिन आप सेकंड में देखेंगे कि ए का सीरियल नंबर 1 होता है और वाई 25, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, यानी इसमें क्या हो सकता है, माइनस किया हो। तो अगर हम ए में से माइनस 2 करें, यानी तो जो हमें लेटर मिलेगा जेड वाई, यानी हमें मिल जाएगा माइनस करने पे वाई। थर्ड टर्म में हम देख रहे हैं इसमें 20 से 23 हो रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है और 3 हो रहा है। तो यानी इसमें जो सीरीज निकल के आ रही है प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3। इसी तरह हमें ए सी ई को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनका भी हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। ए का होता है 1, सी का होता है 3 और ई का होता है 5। यानी पहले वाले में हमें करना था प्लस 1 यानी 2 और 2 होता है बी का सीरियल नंबर। सेकंड वाले में हमें करना था माइनस टू, यानी 3 में से अगर माइनस 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 1 और 1 जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है ए का। थर्ड में हमें करना था प्लस 3, 5 में अगर प्लस 3 करेंगे तो हमें मिलता है 8 और 8 जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है एच का, यानी हमारा आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी ए एच। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, पहले में 4 लेटर हैं, दूसरे में 3 हैं, तीसरे में 3 हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनके सीरियल से नहीं करना है, इनके पैटर्न को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको रिवर्स में लिखें COLD यानी कोल्ड, इसको भी हम अगर उल्टी तरफ से लिखें तो ICE कोल्ड का रिलेशन आइस के साथ, इसी तरह इसको भी हम बैक में लिखते हैं HOT। तो अब हम इन ऑप्शन में से देखेंगे कि कौन सा रिवर्स में लिखने पे सही बैठ रहा है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे तो TEE, इसको अगर लिखें तो TAE, इसको लिखेंगे तो TEEA और ATE, यानी हॉट जो होगा वो क्या होगा टी, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा AET। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दे रखा है √AFI=M, √ADD=L, √ABA=, हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम प्रत्येक का सीरियल नंबर लिख लेते हैं। A का 1, F का 6 और I का 9, यानी 169 है। 169 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये परफेक्ट स्क्वायर है 13 का, और 13 पे जो प्लेस पे जो नंबर या अल्फाबेट जो आता है वो आता है M। इसी तरह हम दूसरे को भी चेक करते हैं। A का होता है 1, B का होता है 4, D का होता है 4, 144 परफेक्ट स्क्वायर है 12 का, और 12 पे हमें मिलता है L। अब इसी तरह से हमें इसको भी फाइंड करना है। तो A का होता है 1, B का होता है 2, A का होता है 1 और 121 जो स्क्वायर होता है वो होता है 11 का, और 11 पे जो लेटर आता है वो आता है K, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा K। तो आइए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपको सबसे पहले देखा गया क्राइम पुलिस डिजीज का रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो अगर आप क्राइम का रिलेशन पुलिस से देखेंगे तो पुलिस का जो काम है वो क्राइम को कंट्रोल करना है। तो इसी तरह डिजीज को कंट्रोल करने का काम किसका होगा, मेडिसिन नहीं, पेशेंट नहीं, केमिस्ट नहीं, यानी जो डॉक्टर होगा वो क्या करेगा, डिजीज को कंट्रोल करने का काम करेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेट कैलेंडर टाइम का हमें फाइंड करना, यानी डेट का रिलेशन कैलेंडर से है तो टाइम का रिलेशन किससे होना चाहिए। तो आपको पता है कि डेट को अगर हमें चेक करना तो हम कैलेंडर का यूज करते हैं। इसी तरह अगर आपको टाइम को पता करना है तो आपको क्या यूज करेंगे, चार्ट यूज करेंगे, नहीं,
ईयर को भी नहीं करेंगे, क्लॉक यानी घड़ी को हम चेक करेंगे टाइम को देखने के लिए, आवर को भी नहीं। ये मेजरमेंट यूनिट है, ये भी एक तरह से मेजरमेंट है, ये नहीं है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा क्लॉक होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स, कैटरेक्ट, हमें रिलेशन फाइंड करना है। या अब अगर आप देख रहे होंगे तो ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? एक डिजीज है जो लंग्स से रिलेटेड होती है, तो हमें पता होना चाहिए कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट किससे रिलेशन होता है? कैटरेक्ट का होता है आई से, ईयर, थ्रोट और स्किन से नहीं होता है, ये डिजीज है आई की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिख रहा है उसमें है ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, हमें बेस्ट ऑप्शन इनमें से ढूंढना है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ऑप्टिमिस्टिक माने होता है आशावादी एंड पेसिमिस्टिक माने होता है निराशावादी, यानी इनका अपोजिट मीनिंग हो रहा है। आशावादी का अपोजिट होता है पेसिमिस्टिक। तो अगर आप इन सबको ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल, ये एक जैसे रिलेशन है, यानी सिनोनिम्स हम कह सकते हैं। स्टडी, प्ले, ये भी डिफरेंट मीनिंग नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, यानी आयात और निर्यात, यानी इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए थर्ड वाला, नन ऑफ दिस नहीं हो सकता। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या है? डिफरेंट मीनिंग है, यानी एंटोनिम्स हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विक्ट्री को इनकरेजमेंट और फेलियर का हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो अगर हम विक्ट्री हो रहे हैं किसी चीज में, विजय हमें मिल रही है, तो हमें इनकरेजमेंट मिलता है। अगर हमें फेलियर मिल रहा है तो उसका बेस्ट ऑप्शन इनमें से क्या होना चाहिए? सैडनेस हो सकता है, डिफीट, एंगर, लेकिन इन सब में से जो बेस्ट आंसर है वो है फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि अगर हम फेलियर की तरफ जा रहे हैं तो हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। तो फ्रेंड इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमने एक जनरल आइडिया आप लोगों को दिया है, आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी, तो आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट। वी विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज फॉर यू। टिल देन गुड बाय एंड कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ।